किसकी ताजीम को उठना है झलकना है किसे, एक नजर देख के दरबान समझ लेते हैं, इसलिए होती है अक्सर ये तासुब का शिकार, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उर्दू किसी मजहब किसी फिरके की जबान नहीं, खालिस हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी में जन्मी, हिंदुस्तान में बड़ी हुई और हिंदुस्तान में जीने वाली जबान है। हम एक ऐसे शायर से आपका तारुफ कराना चाहते हैं जो छोटी छोटी बहर में बड़े सलीके से गजल कहने का हुनर रखता है। मुझे दिनेश दर्पण के वो मिसरे उस शायर के इस्तकबाल में याद आते हैं कि हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। आंख से आंसू मत बहने दो, आंसू गंगा जल होता है। आंख से आंसू मत बहने दो, आंसू गंगा जल होता है। पागल को समझाना कैसा, पागल तो पागल होता है। दोस्तों, उर्दू शायरी के लिए वो शायर की दीवानगी, उसका पागलपन और बड़े सलीके से कदल कहने का हुनर जिसे आता है, हम उसे जय कृष्ण चांडक के नाम से जानते हैं। चांडक जी आए और अपनी बेहतरीन गजल से नवाजे, आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कर दें। अब चंद खूबसूरत शोरा इकराम की फहरिस्त में मेरी बाकी है, आप उन्हें समाप्त करें और मुशायरे अपनी कामयाबी के साथ। शारदा को नमन करता हूँ, सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय सोम दादा की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करते हुए मुक्तक से बात शुरू करता हूँ। अपने मुक्तक देखें आप, हम सब इन बच्चों के लिए एक मुक्तक पढ़ रहा हूं मैं। स्वागत है। मुक्तक देखें कि मुस्कुराती हवाओं पे लिख देंगे हम, मुस्कुराती हवाओं पे लिख देंगे हम, मुस्कुराती हवाओं पे लिख देंगे हम, खिलखिलाती फजाओं पे लिख देंगे हम, खिलखिलाती फजाओं पे लिख देंगे हम, प्यार कीले कलम आपका नाम हम, प्यार कीले कलम आपका नाम हम, आपका नाम हम, दिल से निकली दुआओं पे लिख देंगे हम, दिल से निकली दुआओं पे लिख देंगे हम। और एक गजल का दो तीन शेर पढ़ो। इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं, बात दिल की कहूं या ठहर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं, बात दिल की कहूं या ठहर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं। और ये शेर देखें, आजकल के माहौल पे दो पंक्तियां हैं कि इस घुटन में भला कैसे जी पाऊंगा, इस घुटन में भला कैसे जी पाऊंगा, कि इस घुटन में भला कैसे जी पाऊंगा, कुछ दिनों के लिए काश मर जाऊं मैं, कुछ दिनों के लिए, वाह 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 वाह, इस घुटन में भला, तालियों से इस्तकबाल करें शेर का, वाह 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 वाह, इस घुटन में भला, धन्यवाद दादा, इस घुटन में भला कैसे जी पाऊंगा, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए काश मर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं। और ये शेर बतौर खास देखे कि जब परिंदे मिले मुझको परदेश में, जब परिंदे मिले मुझको परदेश में, जब परिंदे मिले मुझको परदेश में, मन हुआ लौट कर अपने घर जाऊं मैं, वाह 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 वाह, क्या खूब पढ़ा दिया भाई, वाह 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 वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब परिंदे मिले मुझको परदेश में, मुझको परदेश में, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह,
मन हुआ कि जब परिंदे मिले मुझको परदेश में, मन हुआ लौट कर अपने घर जाऊं मैं। इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं। और गजल का आखिरी शेर इरशाद कि वो जो जालिम है तो उसकी धमकी से अब, वो जो जालिम है तो उसकी धमकी से अब, वो जो जालिम है तो उसकी धमकी से अब, ये तो मुमकिन नहीं है के डर जाऊं मैं। इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं। बात दिल की कहूं या ठहर जाऊं मैं, इश्क के रास्तों से गुजर जाऊं मैं। और एक मुक्तक माँ के हवाले से पढ़ना चाह रहा हूं। एक दृश्य है दुर्गा जी का, नवरात्रि में दुर्गा जी का एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था। देखें दादा दृश्य को देखें। और आप हम जैसे कई भक्त माँ के दर्शन कर रहे थे और हमारे पीछे एक बहुत बूढ़ी माँ एक हाथ में लाठी और एक हाथ में कटोरा लेके भिक्षा मांग रही थी। वहां से विडंबना की चार पंक्तियां हुई हैं। स्वागत है, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। देखें कि बात सच में है कितनी बड़ी देखिए, बात सच में है कितनी बड़ी देखिए, बात सच में है कितनी बड़ी देखिए, भूख से उम्र अक्सर लड़ी देखिए, भूख से उम्र अक्सर लड़ी देखिए। मनन भाई जी, जी भूख से उम्र अक्सर लड़ी देखिए, अपने बच्चों से ही मांगने रोटियां, अपने बच्चों से ही मांगने रोटियां, सामने माँ के माही खड़ी देखिए, सामने माँ के माही खड़ी देखिए। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद।